अनुच्छेद 370 के जमींदोज होने के करीब 3.5 साल के बाद कश्मीर घाटी की फसा में जन्नत की रौनक एक बार फिर से झिल मिलाने लगी है। इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है श्रीनगर में मौजूद फूलों की ये नैना भ्राम बगिया। जिसे पर्यटक ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। ट्यूलिप गार्डन खुलने के पहले 12 दिनों में रिकॉर्ड 1,58,000 से ज्यादा पर्यटक यहां आ पहुंचे हैं। इनमें से 95% पर्यटक बाहर के राज्यों से यहां पहुंचे। 22 मार्च को सिर्फ एक दिन में यहां 31,000 पर्यटक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया है, जैसे ही अंदर एंट्री मारी तो खुश हो गया दिल। पूरे बढ़िया मल्टी कलर, एक बार साथ में एटमॉस्फेयर भी इतना बढ़िया है। बारिश का टाइम है, बहुत मजा है। ये सीजन देख के अगर ये ऐसा सब नज़ारा मिलता है तो यही सीजन में आना चाहिए। सही में जन्नत है, हकीकत में जन्नत है। जो आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता उसके लिए कश्मीर आना जरूरी है। तो वैसे भी स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं, अपना तो कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है, अपने तो यही जन्नत है। जबरवान हिल और डल लेक के बीच 52 हेक्टेयर में फैले ट्यूलिप गार्डन में 68 किस्मों के करीब 16,00,000 फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसकी अलौकिक खूबसूरती का दीदार करने के लिए हर रोज करीब 25,000 पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। घाटी के बदलते माहौल की सबसे बड़ी गवाही है रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीनगर में निकली की शोभा यात्रा। घाटी में माहौल बदलने का असर ये है कि आज यहाँ निवेश की होड़ लग चुकी है। जिस कश्मीर घाटी में लोग आने से कतराते थे, यहाँ नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीने के भीतर 5,000 देसी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साफ है कि घाटी की फजा पूरी तरह से बदल रही है। 3 दशक के बाद जन्नत की रौनक दोबारा बहाल हो रही है। बदलते मौसम से स्थानीय लोग बेहद खुश है क्योंकि पर्यटकों के आने से उनका रोजगार चकाचक चल पड़ा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।